चीज के लिए भैया कड़ी का बाहुबली बोलते हैं ना आपको यूपी का। भाई साहब डेकोरेट तो करेंगे, बिना डेकोरेशन के तो बीवी भी सुंदर नहीं लगती। अपना क्रश भूल जाओगे, इस पे क्रश हो जाएगा आपको। एक बार लंच का माहौल देखो, ये देखो बड़े बड़े बर्तन पड़े, आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाता हूँ। भैया राम राम जी। राम राम भैया। सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम निहाल है। भैया क्या बना रहे हैं अभी आप? ये छोले चावल, कड़ी चावल, मोट कचौड़ी, राजमा चावल। अरे वाह, काफी तरह की आइटम है भाई, पूरा लंच का सीन है। ये देखो कस्टमर्स खड़े हैं, कुछ प्लेट्स लग रही है, आपको दिखाता हूँ। भैया क्या लगा के रहे प्लेट आप? मोट कचौड़ी। भैया ये देखो जी, यहाँ की स्पेशल मोट कचौड़ी छोले चावल। पेटीएम की आवाज से मोट कचौड़ी। ये पहले कचौड़ी आई, ये ऊपर आए चावल, ये दाल आई भैया मोट की, ये मोट की दाल आई हुआ, और ये यूपी की स्पेशल आइटम है भैया ना। हाँ जी भैया। ये देखो भाई चावल के साथ यहाँ पे कचौड़ी खाई जाती है, और भैया के हाथ इतने स्पीड से चल रहे हैं ना, मेरे को कैमरा मैच करना मुश्किल हो रहा है। ये ऊपर आया जी बटर, ये मूल का होता भैया। अच्छा मूल मक्खन साथ में देते चावल के भी। और दुकान भैया कितनी पुरानी है अपनी? दुकान पुरानी कम से कम 35-36 साल। 35-36 साल पुरानी दुकान है। ये देखो भाई पीतल की परात के अंदर ना छोले रखे हुए, और छोले का सामने पहाड़ सा बनाया हुआ है। ये चटनी कौन सी है भैया ऊपर? ये पालक होता है। पालक, ये पालक ऊपर है, प्याज, बटर फिर से, और ये ऊपर नींबू हुआ, और ये मसाला आके मोट कचौरी बोलते हैं इसको यहाँ पे ना। लो भैया ये मोट कचौरी की प्लेट तैयार। ये देखो भाई एकदम बढ़िया, बिना तेल के, बिल्कुल भी तेल यूज नहीं होता इसमें। अरे वाह यार बिना तेल के छोले हैं। अब ये देखो ये चावल की प्लेट जा रही है। अपने पास चना राइस, मोट कचौरी, और क्या क्या आइटम बताइए आपने? चावल है, राजमा चावल है। राजमा चावल, वाह यार। ये देखो यार ये कचौड़ी, इसमें भरा भी होता भैया कुछ? इसमें दाल भरी होती है, दाल की पिट्ठी भरी होती है। कौन सी दाल? इसमें मूंग की दाल। मूंग की दाल भरी हुई भाई, ये कचौड़ियाँ सामने, ये देखो जी एकदम बढ़िया खिले खिले चावल है। वाह वाह वाह। एक भैया ये तो जो आप चीजें बेच रहे हैं ये तो बाकी भी गाजियाबाद में मिलती है जी भैया? कड़ी की मैंने तारीफ सुनी कि आपके जैसी कड़ी पूरे गाजियाबाद छोड़ो उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती। भैया आप लोगों का प्यार है। अरे वाह, एक बार दिखाएंगे भैया वो भी कड़ी कहाँ पे है? कड़ी है उस साइड आता हूँ भाई मैं, दिखाता हूँ। ये देखो भाई कड़ी एकदम बढ़िया, और ये है भाई पतीला। वाह वाह वाह। मैंने सुना भैया तड़का बहुत बढ़िया लगाते हो इसका। हाँ जी भैया। तो लगा के दिखाइए कैसे रहता है। बिल्कुल अच्छा लगाते हैं भैया। अब ये देखो यार निहाल भैया दिखाने लगे हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में पसंद की जाती है इनकी कड़ी, और 50 किलो रोज की लगती है ना, वो बनती कैसे है ये देखो लाइव मेकिंग। ये पहले अमूल बटर की टिक्की आई, प्याज आ गए, ये देखो जी हरी मिर्ची का अचार, ये ज़्यादा लेते हैं लोग यहाँ पे ना भैया। ये देखो भाई बटर और आ गया, और उधर अंकल जी ग्राहक संभाल रहे हैं, और इधर निहाल भैया कड़ी बना के दिखा रहे हैं। कार्ड पे पूरा भाई सब माहौल बना हुआ है। ये आ गई भाई मिर्ची, ये देगी मिर्च होती है भैया, देगी मिर्च का तड़का भैया, अंगंग फटका जी भैया। अरे वाह, रंग देखो तड़के के एकदम लाल हो गया। अब ये आनी शुरू हुई है जी कड़ी, जो कोयले के ऊपर भैया कितने घंटे पकती रहती है? ये पूरे दिन तक पकती रहती है भैया, पूरा दिन भाई कोयले के ऊपर कड़ी पकती रहती है। और ये देखो जलवा एक बार, अरे वाह यार, सारे जो नंबर है इसी चीज़ के हैं, लोग इसी चीज़ के दीवाने हैं, इसी चीज़ के लिए भैया कड़ी का बाहुबली बोलते हैं ना आपको यूपी का जी भैया। अरे वाह, ये देखो यार एकदम बढ़िया, ऊपर रोगन तैर रहा, मक्खन से बनी हुई कड़ी, क्या गजब का तड़का लगा। ये बन के तैयार है भैया? अब भैया बस 3-4 मिनट और लगेगी, 3-4 मिनट और लगेंगे भाई, जब तक ये कड़ी तैयार हो रही है ना, आपको आगे प्लेट ही प्लेट दिखाता हूँ, क्योंकि मुंह में पानी चलते रहना चाहिए। ये देखो कड़ी लग के तैयार, और आवाज़ें आप सुनो लोगों की आ रही है कि भाई प्लेट दो प्लेट दो। भैया की स्पीड चेक करना, भैया कितनी प्लेट लगा रहे हैं? कम से कम दस प्लेट लग रही है। और देखो कड़ी पलटी मारी जा रही है इधर, ये देखो भाई चावल आ गए प्लेट के अंदर बढ़िया से, और बल्क में ही भाई यहाँ पे सेल की जाती है, बल्क में बनाई जाती है। काफ़ी जगह के कड़ी चावल मैंने खाया, पर कड़ी चावल के लिए ऐसी दीवानगी नहीं देखी। भैया मक्खन की कमी रह गई थी कड़ी में, ये ऊपर से कटता भैया, ये ऊपर से भाई अलग डलेगा। ये देखो टिक्की कटिंग हुई, और ये मक्खन काटने का स्टाइल देखना भैया, देखो लोग प्याज डालते हैं ऐसे काट के, और यूपी में ऐसे मक्खन काट के कड़ी के ऊपर दिया जाता है ना भैया। अरे वाह यार, और ये स्टाइल भी यहाँ पे डेवलप हुआ है, मतलब ऐसे कड़ी चावल खिलाने का। हाँ जी भैया। अरे वाह, ये देखो एकदम भारी भरकम पतीला कड़ी का सेट किया गया, अब इससे आने शुरू होगी थी कड़ी, ये देखो गर्मा गर्म, और ये लगती जा रही है जी प्लेट्स। वाह वाह वाह, एकदम धुआंधार भाई, पास से देखो क्या मजा आएगा देख के। अगर कड़ी चावल के फैन हो ना तो मुँह में पक्का पानी आ गया होगा आपके। मक्खन देखो भाई ऊपर कितनी टिक्कियाँ डाली गई हैं, ये देखो एक कड़ी और, वाह वाह वाह, और टेबल के ऊपर 10 प्लेट लग के तैयार। इधर भैया कड़ी डालते जा रहे हो, इधर भैया पकौड़े रिफिल कर रहे हैं पकौड़ों में, तभी भैया ने कहा कमी कोई नहीं एक्स्ट्रा भी आप ले लो। ये आए भाई एकदम गर्मा गर्म पकौड़े ऊपर, वाह, और गर्मा गर्म कड़ी जब ऊपर आती तो मक्खन पिघलता जाता है। अब ये देखो भाई ऊपर प्याज आने शुरू हो गए, भैया पूरी डेकोरेट करके देते हो जी भैया? अरे वाह भाई, पूरी डेकोरेट होकर प्लेट मिलती है भैया, इतनी डेकोरेशन क्यों करते हो प्लेट की? भैया बिल्कुल, जब
स्वाद आता है इसकी वजह से। ये देखो ये मिर्ची का पकौड़ा और पूरा डेकोरेट करके खाते हैं भाई यूपी वाले कढ़ी चावल। भाई साहब डेकोरेट तो करेंगे, बिना डेकोरेशन के तो बीवी भी सुंदर नहीं लगती। क्या बात है भैया, बिना मेकअप के बीवी भी सुंदर नहीं लगती। बिना मेकअप के तो सुंदर ही नहीं लगेगी, ये तो फिर भी कढ़ी चावल है। क्या बात है जी, यूपी वाले देखो भाई लगने से पहले बिकी हुई है। देखो सामने ये जाती जा रही प्लेट। निहाल भैया कितने की रहती है प्लेट ये? 60 रुपये ओनली। 60 रुपये ओनली की प्लेट है भाई। डबल मक्खन, मिर्ची का पकौड़ा, प्याज और कड़ी जितनी बार मर्जी ले लो भैया। अरे वाह यार, ये देखो यार निहाल भैया फाइनली अपनी प्लेट लगाने लगे। ये थोड़ी बढ़िया बहुत कचौड़ी। वाह यार, क्रश चेक करो भाई, इतना अपना क्रश भूल जाओगे, इस पर क्रश हो जाएगा आपको। ये आगे भाई छोले, अब ऊपर से आएंगे चावल। वाह यार, ये आई मोटकी दाल, मक्खन इसके ऊपर भी आएगा। वाह 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 भाई, मतलब वो भैया ने मेकअप वाली बात सच बोली है, पूरा डेकोरेट करके ही देते हो। हाँ जी भैया। ये देखो ये आगे ऊपर गर्मा गर्म छोले यार। अरे वाह 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 यार, और ये ऊपर पालक है ना भैया? पालक भैया। पालक के बाद आए जी ये प्याज, साथ में हरी मिर्ची का अचार, और ये ऊपर नींबू भाई। अरे वाह, ये मसाला किस चीज़ का रहता भैया, बताया नहीं अपना होता है हमारा। अच्छा, अपना खुद का हाथ पीस बनाते हैं। ये मिर्ची का पकौड़ा, और ये प्लेट कितने की निहाल भैया? 60 रुपये ओनली। 60 रुपये की प्लेट है भाई, और एक भैया कड़ी चावल की भी लगाई है हमारे लिए। ये देखो भाई रश इतना था ना, प्लेट्स तो फटाफट निकल गया। एक ताज़ी प्लेट बन रही है, या चावल, और ये देखो कड़ी अनलिमिटेड है, तो भाई सामने ही है, जितनी मर्जी आप लेते रहो। अब ये बारिश हुई है जी ऊपर बटर की, ये मज़ा है यहाँ का मेन, एकदम गर्मा गर्म कड़ी भाई, पूरा दिन भट्टी पे रहती है, धीमी धीमी कोयले की आँच पे पकती रहती है, और ये मसाला साथ में स्पेशल। अरे वाह यार, कड़ी ऐसी कि मेरे तो देख के भाई मुंह पानी आ रहा है। ऊपर थोड़ी बारिश की गई मसाले की, ये प्याज की डेकोरेशन, साथ में एक मिर्ची का पकौड़ा, और ये चम्मच लगा के मिर्च के साथ तैयार। और ये प्लेट भी एक बार बता दीजिए, 60 रुपये ओनली। 60 रुपये ओनली भाई, मक्खन भर के। स्वाद आपके मुंह में आ चुका है कड़ी चावल का, पर पहले जो शुरुआत करेंगे ना, मोट कचौड़ी भाई मैंने लाइफ में कभी खाई नहीं है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत पसंद किया जाता है इसको। मुंह में पानी ज्यादा आ चुका है, देखो पास से बढ़िया। बीच में कचौड़ी है, चावल है, चटनी है, ऊपर है जी पालक, और साथ में प्याज। ओ भाई, जितना मैं ये शहर घूम रहा हूँ ना, रोज एक ना एक ऐसी चीज मिल जाती है जो मेरी फेवरेट बन जाती है। अब ये ऐसा स्वाद मिल गया ना, मतलब चावल के साथ भाई मट्ठी, मतलब हमारे साइड मट्ठी बोलते हैं ना, यहाँ पे कचौड़ी, चावल के साथ मट्ठी, साथ में छोले, ऊपर बढ़िया प्याज, नींबू, मक्खन, और ये साथ में भाई मिर्च का पकौड़ा। स्वाद समझ रहे हो ना कितना कमाल का होगा, वैसी ही चीज़ है भाई, पूरी बढ़िया खटास के साथ। ओहो, मतलब ऐसा स्वाद है ना, एक प्लेट से कुछ नहीं बनेगा, पेट खाली लेके आना बिल्कुल, कम से कम 2 प्लेट खा के जाओगे। और जिस चीज़ के भी वेट कर रहे हो, कड़ी चावल, उसका भी स्वाद बताते हैं। अब ये देखो भाई, ये यहाँ का असली खजाना, 50 किलो भाई, 50 किलो रोज की बना रहे हैं, इतना पसंद की जा रही कड़ी चावल यहाँ पे। सुबह दोपहर चलते रहते लोग 10-10 प्लेट से कम, तो मैंने बोला भैया को, भैया एक मेरी लगा दो, 10 से कम कहते मैं लगाती नहीं, 10 प्लेट इकट्ठी रखती है यहाँ पे। ये देखो यह पकौड़ा, और बढ़िया बेसन का पकौड़ा, साथ में ये कड़ी। कड़ी इतनी ज्यादा खट्टी नहीं है, बैलेंस खटास है, मक्खन के साथ जो तड़का लगा ना, उससे बढ़िया मक्खनी हो गई है। जो पंजाब से चलती वैसी कड़ी नहीं है, यूपी स्टाइल कड़ी है, और स्वाद बहुत है। वाह, मतलब ये वाला कॉम्बो ना आपको कड़ी और चावल का ही बढ़िया लगेगा, चपाती के साथ नहीं बढ़िया लगी ये कड़ी। और ये जो ऊपर डेकोरेशन की है ना, जो यहाँ पे एक भैया है तो उन्होंने बताया मेकअप, वही चीज है, मेकअप करके ही स्वाद लगेगी। अरे वाह, मिर्ची का पकौड़ा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और भाई मुंह पोंछ लो, मुझे लगता है पानी ज्यादा आ गया आपके। वीडियो कमेंट करो कैसी लगी, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।